सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो कुछ भी अब तक जो कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको लेकर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आना है, क्या कुछ कहें? सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल वर्डिक्ट दिया था वो संविधान ने दिया हुआ समानता का जो अधिकार है वो महिलाओं को शबरीमाला मंदिर में मिलना चाहिए और जेंडर के ऊपर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ऐसा निर्णय था और वही निर्णय जो है वो रिव्यू पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट कायम रखेगी, यही हमारा विश्वास है। और ये महिलाओं की जो एंट्री है उसके ऊपर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के बाजू से रहेगी। आज बहुत कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको लेकर अभी 550 महिलाओं ने प्रवेश करने के लिए एक ऑनलाइन रजिस्टर किया है, इसके बाद किस तरीके से माहौल रहेगा, क्या कुछ कहो? ये जो अयप्पा स्वामी जी के जो भक्त है जो महिलाओं को विरोध कर रहे हैं, वहाँ की जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के ये हक और अधिकार के खिलाफ जो वहाँ पे केरला में जो प्रोटेस्ट कर रही है उनको ये बहुत अच्छा जो है वो करारा जवाब है, क्योंकि 550 महिलाएं ऑनलाइन बुकिंग अब भी कर रही है जहाँ पर वॉयलेंस है, जहाँ पर विरोध है, महिलाओं को नहीं जाने दे रहा है, तो महिलाओं को अगर एंट्री मिली तो हज़ारों लाखों महिलाएँ वहाँ जा सकती है, तो ये अच्छी शुरुआत है। और 16 को फिर से जो है वो शबरीमाला मंदिर के दरवाजे खुले होने वाले हैं, हम भी इसी हफ्ते में वहाँ पे जाने वाले हैं, तो हज़ारों लाखों महिलाएं वहाँ पे जाने के लिए आगे आ रही है। सिर्फ ये वायलेंस की जो सिचुएशन है वो हैंडल करने में जो है वो वहाँ की सरकार ने आगे आना होगा।